आज चूंकि सुबह हम प्रचार में निकले और जिस एरिया में थे वहाँ टावर नहीं था और नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। अभी हमें दोपहर बाद जब रास्ते में थे तो पता चला कि कुछ बीजेपी की कुछ महिला विंग ने हमारे पार्टी के कार्यालय में आके कुछ प्रदर्शन किया और हमारे खिलाफ़ नारेबाजी की है। तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, कोई हफ्ता पहले इस जो ये चरण का चुनाव कल है, इसके पिछले चरण का चुनाव हमारा खून में था, ये हफ्ता पहले की खबर है। और वहाँ पे हमारी पार्टी की महिला विंग की हमारी पार्टी की स्टेट की जनरल सेक्रेटरी मंजू सिंह जी इलेक्शन कर रही थी और उनके ऊपर टिप्पणी करी बीजेपी ने, उनकी जात के ऊपर टिप्पणी करी, जिसको लेके हमने किसी बीजेपी की लीडर किसी महिला कार्यकर्ता के ऊपर टिप्पणी नहीं की। हमने सिर्फ उनको ये याद दिलाया कि उनकी प्रिया जराल बीजेपी की एक वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं और उन्होंने इतने सीरियस एलिगेशन बीजेपी के ऊपर लगाए हैं कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि बीजेपी में उसी को प्रमोशन मिलता है लेडीज़ में जो मैं बता नहीं सकता कि जो क्या करती है, ये मैं यहाँ बोल नहीं सकता। तो मैंने उसको उस तरीके से उनके स्टेटमेंट को कहा कि यहाँ उनकी लीडर्स ये कहती हैं कि यहाँ प्रमोशन उसी को मिलता है बीजेपी में जो ऐसे काम करता है। तो मैंने कहा बीजेपी कितना सम्मान करती है महिलाओं का, हमारी पार्टी के जो महिला जो हमारी जनरल सेक्रेटरी है मंजू सिंह जी खून से इलेक्शन लड़ रही थी उसी चुनावी रैली की बात है, तो उनके ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी करी थी उसके रिएक्शन में मैंने कहा कि पहले अपने घर में ये सुधरें, बीजेपी अपने आप को सुधारें, फिर पैंथर्स पार्टी की महिला लीडर्स के ऊपर टिप्पणी करें। तो इसको लेके मुझे नहीं लगता कि इसको बवाल करने का इतना कोई था। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि इसको पूरे तरीके से पॉलिटिकल जो है एंगल से बीजेपी ले रही है। एक हफ्ते पहले की बात है, क्योंकि कल उधमपुर में बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे कल चुनाव है और उसी को लेकर आज इनको हफ्ते बाद याद आता है कि हमने पैंथर्स पार्टी के कार्यालय में घेराव करना है, हमारे खिलाफ नारेबाजी करनी है, क्योंकि हम पिछले कल यहाँ पर चुनावी रैली थी, पिछले कल जो कल इलेक्शन है उसका प्रचार कल थमा, उसमें हमारी चुनावी रैलीज थी दो और जिसमें एक में लगभग हमारे जो इनकी सीआईडी रिपोर्ट है 4-5 हज़ार लोग थे और दूसरे में लगभग 4,500 के करीब लोग थे। और यहाँ पे अनुराग जी आते हैं, उनकी सभा में 150 लोग इकट्ठा होते हैं, तो इन्होंने देखा कि कोई तरीका ढूंढ के पैंथर्स पार्टी को जो है पैंथर्स पार्टी का तूफान है, पैंथर्स पार्टी की तरफ लोगों का जो रुझान है उसको किसी न किसी तरीके पार्टी के लीडर्स के ऊपर कोई एलिगेशन लगा के उनको रोका जाए, पर ये गलत है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये हमें सर्टिफिकेट नहीं लाने का, हम महिलाओं का सम्मान कितना करते हैं, हमारे बुजुर्गों का, हमारी पार्टी की लीडरशिप में हमारे टॉप लीडरशिप की बात करें तो हमारे अगर इतिहास की बात करें तो बुज़ुर्गों का सम्मान हम कितना करते हैं, हमने कई बार हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं औरतों के सम्मान के लिए, अपनी जान पे हथेली पे रखे कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन है हमारे ऊपर और ये सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटिव है और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आज पैंथर्स पार्टी 14 की 14 सीटों में टॉप कर रही है उधमपुर के अंदर और बीजेपी जो केंद्रीय पार्टी है उसको यहाँ कोई सीट नहीं मिल रही है, इसलिए किसी ने कोई ना कोई बहाना बना के पैंथर्स पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा महिलाओं का सम्मान हम करते थे, करते हैं और आगे भी करेंगे, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है महिलाओं का सम्मान करने के लिए।